गणपति गणपति गणपति। प्रदर्शनकारी किसानों खिलाफ विवादित बोल बोलन ते आम आदमी पार्टी हरियाणा ने भी कंगना रनौत खिलाफ मोर्चा खोलिया है। जींद विच आम आदमी पार्टी सड़कां ते उतर आई है, जिन्हां वल्लों शहर भर दे विच विरोध प्रदर्शन किया गया ते कंगना रनौत ते भाजपा खिलाफ नारेबाजी की गई। आम आदमी पार्टी ने भाजपा ते कंगना रनौत नूं माफ़ी मंगण अते कंगना नूं संसदी अहुदे तों बरखास्त करन दी मांग कीती है। कंगना जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है कि वो देश से माफी मांगे। ऐसे ऐसे आप शब्द कहने वाले को और तुरंत मैं कहता हूँ उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बर्खास्त भी कर देना चाहिए। पूरे प्रदर्शन आम आदमी पार्टी, हाँ पूरे देश के अंदर हर जगह इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कहीं पर छोटा कहीं पर बड़ा, कहीं पर जिला स्तर पर कहीं प्रदेश स्तर पर। आज आम आदमी पार्टी जो है ऐसे ऐसे असभ्य लोगों के खिलाफ जो है असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, जो हमारे अन्नदाता के खिलाफ ऐसे शब्दों का जिन्होंने प्रयोग किया है, हम उसके खिलाफ आज जो है सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को पूरी को उनके नेतृत्व को उनका जो बड़ा नेतृत्व है उनको सामने आना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी कौन कौन नेता यहां शामिल होगा? आम आदमी पार्टी के आज सबके जिला सत्र के सभी पदाधिकारी यहां होंगे और हम सब मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे। और अंधी जो बहरी और गूंगी सरकार है जिनको केवल अभिनेत्री की अपनी की बात बात सुनाई देती है, तो देश की बात नहीं सुनाई देती, देश के किसान की बात वहाँ तक नहीं पहुँचती, देश के जवान की बात वहाँ तक नहीं पहुँचती, देश की पहलवान की बात वहाँ तक नहीं पहुँचती, तो उस गूंगी बहरी सरकार को आज हम यहाँ से उनको सुनाएंगे कि देश क्या चाहता है। देश क्या चाहता है? देश चाहता है अमन, चैन, शांति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, पानी, रोजगार। देश ये चाहता है, ना कि देश ये नहीं चाहता कि आप किसी नाचने वाले को लाकर इतने असभ्य शब्दों का प्रयोग हमारे किसान के खिलाफ कराए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए माफ मांगूंगा।